मोबाइल यूज़ करते समय हम लोग कई दफ़ा ब्लूटूथ का यूज़ करते हैं। ब्लूटूथ जिसको हिंदी में हम नीला दांत भी कहते हैं, लेकिन क्या आपको पता है ब्लूटूथ जो टेक्नोलॉजी है वो एक राजा के नाम पर ही लिया गया है। तो फैक्टर बाय विकास का आज का वीडियो आप शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखिए, जिसमें हम वही राजा के बारे में बताएंगे। ब्लूटूथ का यूज़ हम लोग कई जगह करते हैं, जैसे कि कोई भी माइक या स्पीकर में कनेक्शन स्थापित करना, कोई मोबाइल में डाटा का प्रदान करना, या फिर अन्य डिवाइस को आपस में जोड़ना, ये सब ब्लूटूथ के ही द्वारा होता है। लेकिन अगर हम ब्लूटूथ की हिस्ट्री जानें कि ये नाम कैसे पड़ा, तो मध्ययुग में एक स्कैंडिनेवियाई राजा हुआ करते थे, जिनका जो नाम हुआ करता था वो था हैराल्ड ब्लूटूथ गॉड्समैन। वह दो चीज़ों के लिए जाने जाते थे, पहला 958 ईस्वी में डेनमार्क और नॉर्वे को एकजुट करना, और दूसरा उनके दांत के ऊपर, उनका एक दांत काफ़ी ज़्यादा गहरा भूरा और नीले रंग का था, जिसके बाद उन्हें ब्लूटूथ की उपाधि मिली। राजा के नाम पर ही इस टेक्नोलॉजी का नाम रखा गया था। ब्लूटूथ के जो वर्तमान मालिक थे वो जाप हर्सन एरिक्सन कंपनी में रेडियो सिस्टम पे काम करते थे। एरिक्सन के साथ नोकिया इंटेल जैसी कंपनियां भी इस पे काम कर रही थी। ऐसी ही बहुत सी कंपनियों के साथ मिलकर एक संगठन बनाया गया, जिसका नाम रखा गया स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप। और कई लोगों के मन में फिर भी सवाल उठता होगा कि आखिर ये जो टेक्नोलॉजी है इसका नाम ब्लूटूथ ही क्यों रखा गया। एक्चुअल में अगर उस राजा के बारे में बताएं जिन्होंने डेनमार्क और नॉर्वे को एकजुट किया था, तो वो दोनों अगल बगल के ही देश थे, और उन्हें एकजुट करने का जो पहला काम था वो उन्होंने ही किया। जैसे कि ब्लूटूथ के ही जरिए हम दो डिवाइस को आपस में कनेक्ट करते हैं, तो इसलिए ब्लूटूथ का नाम इस तरह से रखा गया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज का वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आज की वीडियो को आप लाइक और साथ में शेयर कर दीजिए, और अभी तक हमारे फैमिली के मेंबर नहीं बने हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए हमारे चैनल को। इंस्टाग्राम पे जिसने फॉलो नहीं किया है जरूर से फॉलो कर लीजिए, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और वहां से आप हमें DM भी कर सकते हैं अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो। तो अब मिलते हैं आपसे फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।